आठ सो वी वर डूइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। Initially we started with the oxidation reaction with alkaline KMnO4, that is also known as Bayer's reagent. Okay, उसके साथ क्या मिलता है आपको? हाँ, alkaline KMnO4 के साथ आपको क्या मिलता है बेटा? Final product ग्लाइकॉल्स नहीं मिलते हैं, ग्लाइकॉल्स मिलते हैं OH ग्रुप वाले, ठीक है। उसके बाद जब आप हॉट KMnO4 पे आते हो, देन देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू आर हैविंग टर्मिनल एल्कीन्स एंड नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। जो टर्मिनल एल्कीन्स हैं वो आपको क्या देते हैं? एसिड, ठीक है, विच फर्दर गेट्स डीकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। एंड द नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, नॉन टर्मिनल एल्कीन्स जो है वो आपको क्या क्या देंगे? Either they will give you acid or ketones, ठीक है। So we were doing the example of 2,3-dimethylbut-2-ene. Raghav, stand up. बाहर आओ। He is very punctual in attending the classes. Draw the structure of 2,3-dimethylbut-2-ene. ऊपर बनाना है जहां पर मैंने लिखा है। कल की क्लास लगाई थी शायद। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 व्हाट विल बी द टू प्रोडक्ट्स फॉर्मड हियर? यहां से आपने क्लीवेज करनी है, ठीक है। सो ये वाला कार्बन लिखा है हमने, 2CH3 और ये डबल बॉन्ड ऐसे था, कल ऐसे बताया था मैंने। ओके, सिमिलरली फॉर दीज टू अगेन ये वाला कार्बन लिखना है हमने, और इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं और एक हमने लगा देना साथ में डबल बॉन्ड। ओके, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स आर देयर, मिथनोइक एसिड नहीं बनेगा ना इसमें क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। कल तो बताया था अभी कि अगर कार्बन के साथ कुछ ऐसा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइड्रोजन और आर ग्रुप है, डबल बॉन्डेड कार्बन है और दो आर ग्रुप्स हैं, तो अगर ये केस है फिर मिथनोइक एसिड बनेगा, अगर ये केस है फिर तो कीटोन्स बनने हैं। अब इसमें आपका कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, दोनों आर ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता कुछ सपोज, फिर कल एग्जाम्पल करवाई है ये वाली मैंने, अब क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड बनना है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड, CH3 ये वाला कार्बन CO। हाँ, उसी के साथ ही रिजेंबल कर गया फिर ये। सारा हाँ जी, समझ आया कि नहीं? कल तो बताया था अभी, ये सारा देख लो एक बारी, कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। कल वैसे मैंने सेम एग्जांपल आपको पहले करवाई है, फिर ये एग्जांपल होमवर्क में दी है। अगर आपके पास एक हाइड्रोजन लगा है तो उसमें एसिड दे देना, अगर दोनों आर ग्रुप्स हैं तो फिर कीटोन बनेगा,
ठीक है, क्लियर है। अब ये हमने किया है ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 और KMnO4, एल्कलीन KMnO4। नाउ देयर इज थर्ड रिएजेंट विद विच वी आर गोइंग टू डू द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद सिल्वर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद सिल्वर। Whenever we are going to do the oxidation of alkenes in the presence of silver, you will be getting epoxides. ऐसे structures आते हैं, ठीक है? Where this one oxygen, it is shared between these two carbon atoms. इसको हम epoxides कहते हैं और इपॉक्सी एल्केन्स कहते हैं, ओके? ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर विद प्रोपीन, ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर विद प्रोपीन। As it is attached कर देना आपने, क्या बना CH3, CH, CH2, CH और CH2 के साथ आपने क्या लगा देना है, ऑक्सीजन अटैच कर देना, हो गया? Now with this the reactions of alkenes are finished, so हमने एल्कीन पार्ट भी फिनिश कर लिया। ये epoxides ही होते हैं इन जनरल, ठीक है? या आप इपॉक्सी प्रोपेन कह सकते हो, एल्केन है ना साथ में, यू कैन कॉल इट एज प्रोपेन। इपॉक्सी इथेन दो हैं और इन जनरल आपने कहना है तो ये इपॉक्साइड्स हैं। सी एच थ्री, सी एच, सी एच टू, यहाँ इन दोनों के साथ ऑक्सीजन ऐसे बनेगा ना, जो डबल बॉन्डेड है उनके साथ आना, बाकी सारा एज इट इज रहना, क्लियर? अब एल्कीन्स में कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, एनी रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद एल्काइन्स करना है और उसकी डिफरेंट रिएक्शंस आएंगी। अब है यही, हाँ जी, किसी रिएक्शन में कोई डाउट एल्कीन्स की पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट एल्काइन्स। इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो हमने नहीं करनी है, वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, ओके? एल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करूं? चलो राइट डाउन एल्काइन्स, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन्स। Write down the very first reaction. Using calcium carbide. Using calcium carbide. This is the formula of calcium carbide, CaC2. इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करनी है एंड यू विल बी गेटिंग एन एल्काइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपलेस्ट एल्काइन यही है, इथाइन, ठीक है? और इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलीन। और इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलीन। ठीक है जी, नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज अ लेबोरेटरी प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ
जैसे हमने लास्ट टाइम तीनों की लेबोरेटरी प्रेपरेशन की है, ये भी लेबोरेटरी प्रेपरेशन रिएक्शन है ऑफ एसिटाइलीन, लेबोरेटरी प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलीन। अब इसका सेटअप कैसे है, कॉनिकल फ्लास्क में यहां पर हमने सैंड डालनी है एंड हेयर वी विल बी टेकिंग द कैल्शियम कार्बाइड। ओके, इसके ऊपर यूजिंग द ड्रिपिंग फनल वी विल बी एडिंग वाटर इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, यूजिंग द ड्रिपिंग फनल वी विल बी एडिंग वाटर इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब वाटर कॉन्टैक्ट में आएगा एसिटाइलीन आएगी। बट यहां पर एसिटाइलीन में एक प्रॉब्लम होती है दैट इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज ऑफ गैसेस लाइक फॉस्फीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड की स्मेल की थी उस दिन, ठीक है, तो इसमें फॉस्फीन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो हैं वो दो तरह की गैसेस एज इम्प्योरिटीज एसिटाइलीन में प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू रिमूव देम। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है, जो हमारा ये यहाँ पर बना है, इसको हम पास करते हैं थ्रू द कॉपर सल्फेट। जो आपके पास इम्प्योर एसिटाइलीन आई है उसको आपने किस में से पास करना है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट में से। कॉपर सल्फेट जो है वो क्या करेगा, इट विल डिसॉल्व H2S। ये H2S को अपने में डिसॉल्व कर लेगा, H2S जो है वो फर्दर उसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके वो रिमूव हो जाएगी वहां से, ठीक है। एंड सेकेंड, अब हमारे पास कौन सी इम्प्योरिटी रह गई है, फॉस्फीन। फॉस्फीन के लिए अब इसके बाद वाला जो मिक्सचर है हमने उसमें से ब्लीचिंग पाउडर में से आपने इसको ऐड करवाना है। यू विल बी एडिंग ब्लीचिंग पाउडर इन द लेफ्ट और अनडिसॉल्व्ड दिस एसिटाइलीन, ठीक है। इम्प्योर एसिटाइलीन में आपने अब क्या ऐड करवाना है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ने क्या एब्जॉर्ब कर लेनी है, फॉस्फीन। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट योर एसिटाइलीन यू विल सी कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो यहाँ पर वाटर है, इसके ऊपर आप देखोगे एसिटाइलीन जो है दैट इज कलेक्टेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलीन। क्लियर हो गए सारे स्टेप्स। कैल्शियम कार्बाइड में वाटर ऐड करना है, स्लोली स्लोली ऐड करना है यूजिंग द ड्रिपिंग फनल। बट जो आपका एसिटाइलीन फॉर्म होती है दैट इज इम्प्योर बिकॉज इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑफ फॉस्फीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दोज इम्प्योरिटीज, फर्स्टली वी विल बी पासिंग दैट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इन विच द हाइड्रोजन सल्फाइड विल डिसॉल्व एंड देन इट इज टू बी पास्ड इनटू द ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन फ्रॉम वेयर द फॉस्फीन इट विल बी टेकन। अब फॉस्फीन भी निकल गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकल गई है, तो आपके पास जो एसिटाइलीन आएगी दैट विल बी द प्योर वन। ओके, वो पूरा सेटअप है, मैंने बनाया नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बना देती हूँ। थोड़ा रिएक्शन का रेट कम करने के लिए, लास्ट टाइम भी हमने सैंड यूज की थी ना, ठीक है, थोड़ा रिएक्शन विग्रस होता है इसलिए हम स्लोली स्लोली एड करते हैं यूजिंग ड्रिपिंग फनल, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। पूरा बनाऊं? चलो बना लो, क्योंकि मेन स्टेप्स थे मैंने आपको बता दिए हैं।
बस बनाना है तो फिर अब बना लो। वंश पूरी क्लास में तू बोलता होता है बस, और किसी की आवाज नहीं आती मुझे। सारा दिन तू ही बोलने पे जोर देता होगा, है ना? तुम्हारी सीट कहाँ है बेटा? वंश मूव टू योर सीट। ठीक है जी, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें कॉपर सल्फेट डाला है। हियर यू विल बी हैविंग ब्लीचिंग पाउडर। मैंने पहले ही बोला था, तभी शॉर्ट में बता दिया मैंने बस हमने क्या क्या यूज किया है। फोर्थ सी ड्यूटी है, सेकंड ब्रेक वाली है, सेकंड ब्रेक वाली है, फोर्थ बाद। हाँ जो सेकंड होगी वो नंबर सेवेंथ बार। हाँ जी बेटा डन। चलिए राइट डाउन नेक्स्ट। डन। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। By the action of alkyl halides,
अल्काइल हैलाइड्स ऑन सोडियम एसिटालाइट बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑन सोडियम एसिटाइलाइट. Now firstly we will be studying about acetylide. Acetylene से ही बना होगा. Acetylene से ही acetylene बना होगा ना. ठीक है. अब what is acetylene? यही होता है. Acetylene. अगर मैं यहाँ पर ये दोनों जो hydrogens होते हैं, ठीक है? They are very very you can say easily remove हम इनको कर सकते हैं. Okay? बट वी विल नॉट बी रिमूविंग बोथ द हाइड्रोजन एट द सेम टाइम. तो हम क्या करते हैं, एक एल्काइल ग्रुप के साथ ये जो एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं. व्हेन दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दिस कार्बन इट विल बेयर अ नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ दिस इज एन आयनिक फॉर्म. ये एक आयनिक फॉर्म में हो जाता है. ओके, एंड दिस आयन इज नोन एज एसिटाइलाइड आयन. सो इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन केस ऑफ द Which alkenes? कौन सी alkene है? ये टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? Is this a terminal alkene or non-terminal alkene? Terminal. ये जो acetylide ions हैं, वो कहाँ पर form होंगे? They will be formed in case of terminal alkenes only. जहां पर हमारे पास उनका एक hydrogen remove करने की क्या होगी? Tendency होगी. ओके, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट हाइड्रोजन द एसिटाइलीन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलाइड आयन. नाउ दिस रिएक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन केस वी वांट सम हायर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइन्स. क्या कहा है मैंने, ये रिएक्शन आप वहां पर यूज कर सकते हो जहां पर आपको जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट, जो स्टार्टिंग आपका रिएक्टेंट है, सपोज आपने एक कार्बन से स्टार्ट किया या तीन कार्बन से स्टार्ट किया. सपोज यू स्टार्टेड विद थ्री कार्बन. ओके, बट व्हेन वी डिड दिस रिएक्शन आपके पास फोर या फाइव या सिक्स डेरिवेटिव्स वाले जो कार्बन है वो भी आ सकते हैं. ओके, सो दैट इज आल्सो नोन एज स्टेपिंग अप. स्टेपिंग अप मींस हम और कार्बन इंक्रीज कर लिए हमने. सो राइट डाउन प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्काइन्स, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया है H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो वो अपना बॉन्ड कार्बन को दे गया, इसलिए इसको एसिटाइलाइड आयन कहते हैं. राइट डाउन प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्काइन्स. अब हमने क्या बनाना है बेटा, पहले हम सोडियम क्या बनाएंगे, एसिटाइलाइड बनाएंगे. तो एसिटाइलीन में ही आप क्या ऐड कर दो, सोडामाइड, दैट इज NaNH2. ओके, एसिटाइलीन में ही आप क्या ऐड कर दो, सोडामाइड. अमाइड ग्रुप है ना, एनएच टू ग्रुप है. ठीक है, एन ए एन एच टू जो है वो इसमें हमने ऐड कर दिया है. अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा. ठीक है, एन ए पॉजिटिव है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ. सो हियर व्हाट यू विल बी गेटिंग, अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. हाँ जी, ठीक है बेटा, कुछ ऐसा ही आएगा कि नहीं. ओके, अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अल्काइल हैलाइड के साथ. कोई भी अल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं, एनी अल्काइल हैलाइड वी कैन टेक. हाँ जी बेटा, ये कैसे बना, ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन अपना ये जो बॉन्ड है वो देखे गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, Na पॉजिटिव है ना, सोडियम. ठीक है, तो ये Na इसके साथ लग गया, ये हाइड्रोजन उसके पास चला गया, क्योंकि NH2 के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो NH3 बन गया यहाँ पे. क्लियर. फिर हमने प्रेपरेशन करनी है एल्काइल हैलाइड्स का, एक्शन करना है हमने सोडियम एसिटाइलाइड्स पे. ये हमारा सोडियम एसिटाइलाइड बन गया, दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड. उसके ऊपर हमने किसका अटैक करना है, अल्काइल हैलाइड का.
ओके सिंपली आपने ये सोडियम को बीआर के साथ एक्सचेंज कर देना है। ओके ये भी तो पॉजिटिव वाला ही है ना, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वाले पॉजिटिव को इधर शिफ्ट कर दो, ये वाले पॉजिटिव को उधर शिफ्ट कर दो बस। ओके नाउ व्हाट यू विल बी गेटिंग, ऐसे कुछ बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के शिफ्ट कर दिए। अब मैं कितने कार्बन से स्टार्ट हुई थी, ये भी कार्बन है, 1 2 3 तीन कार्बन से स्टार्ट हुई, 1 2 3 ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग अप, एक कार्बन इंक्रीज हो गया।